छत्तीसगढ़ में शुरू से कोरोना प्रभावित मरीजों की संख्या बहुत कम रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने जिस तरीके से फैसले लिए, जिस तरीके से काम किया, उसके कारण राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या कम हुई। कटघोरा में बढ़ी तो उसको भी राज्य सरकार ने प्रभावी तरीके से नियंत्रित किया। अब जब प्रवासी मजदूर वापस आए, ये मजदूर 60 दिनों तक फंसे रहे हॉटस्पॉट में, और इनमें से कुछ लोग, कुछ 100 लोग प्रभावित हैं संक्रमण से। ऐसे मरीजों को आइडेंटिफाई करके उनका इलाज कराया जा रहा है, उनको भर्ती किया जा रहा है। इसके साथ साथ अतिरिक्त बिस्तरों की तैयारी राज्य सरकार करके रख रही है, ताकि यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है, संक्रमण बढ़ता है, तो मरीजों को भर्ती करने के लिए हमारे पास व्यवस्था रहे। इसमें सांसद सुनील सोनी को क्यों तकलीफ हो रही है? अगर अपने बिस्तर की व्यवस्था कर ली है और अभी संक्रमित लोग नहीं पाए गए हैं तो ये तो अच्छी बात है। या सड़क चलते लोगों को लाके भर्ती कर लिया जाए? सुनील सोनी चाहते क्या है? सांसद जैसे जिम्मेदार पद पर बैठे हुए व्यक्ति के द्वारा इतनी गैर जिम्मेदार बात करना शोभा नहीं देता।